सबसे पहले हमने 3 कटोरी चावल ले लिए हैं और उसे पानी में भिगो दिया है, और हमने ली है 1 कटोरी उड़द की दाल और उसे भी पानी में भिगो कर रख दिया है। हमें इन दोनों चीज़ों को 1 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। 1 घंटे बाद हम चावल के पानी को ड्रेन कर देंगे और चावल को इस तरह से फैलाकर 1 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे फ़ैन के नीचे। हमने चावल को 1.5 घंटे के लिए सुखा लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। तो हमने चावल को ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो हमने दाल को 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब उसका हमने पानी निकाल कर उसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। और अब हम इसे चावल का जो हमने मिश्रण बनाया है उसमें डाल देंगे। तो जो हमारा चावल और दाल का हमने पेस्ट बनाया था हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे पूरी रात ढककर रख देंगे। तो जो चावल और दाल का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था रात को वो देखिए कितना फूल चुका है। अब हम बनाएंगे इसकी इडली। तो अब हम जो है इडली की ट्रे लेंगे और उस पर ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। तो अब हम ट्रे में बैटर को डाल देंगे इस तरह से। अब हमने एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। और अब हम इस तरह से इसे सेट कर देंगे बर्तन में और हम गैस पर इसे इस तरह से रख देंगे और इसे ढक देंगे। तो हमने जो है इडली को 10-15 मिनट पका लिया है और देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह पक चुकी है और अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इसे इस तरह से चाकू की मदद से निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी जो इडली है वो कितनी सॉफ्ट और फ्लफी बनी है, कितनी स्पंजी बनी है। तो चलिए अब इसे हम करते हैं सर्व। तो अब हम बनाएंगे सांभर। उसके लिए हम कुकर में अरहर की दाल और कुछ सब्जियां डालकर कुकर की 2-3 सीटियां लगवा लेंगे। हम लगाएंगे सांभर को तड़का। इसके लिए हमने एक पैन लिया है। अब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब हम इसमें डालेंगे सूखी साबुत लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे राई। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। अब हम डालेंगे हींग। अब हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज कटे हुए प्याज। हम डालेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ और इसमें हम डालेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज कटे हुए टमाटर। अब हम डालने वाले हैं काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और नमक, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च का पेस्ट। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसमें डाला है इमली का घोल और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और अब जो हमने दाल उबाली थी उसे हम तड़के में मिक्स कर देंगे। तो हमारी जो सांभर है वो बनके रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म इडली के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। सबसे पहले हम मूंगफली को तवे पर भून लेंगे और इस तरह से मसल कर हम इसका जो छिलका है उसे निकाल लेंगे। तो हमने मूंगफली के जो छिलके थे वो साफ कर लिए हैं और नारियल को बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। अब हम मूंगफली, नारियल, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक
इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम लगाएंगे चटनी को तड़का। इसके लिए अब हमने एक पैन ले लिया है। अब हम उसमें डालेंगे तेल। अब हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च। अब डालेंगे इसमें राई। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, नमक। अब हमने जो है इमली को पानी में भिगो कर रखा था वो भी हम तड़के में डाल देंगे। हमने जो इमली थी तड़के में डाल दी है। अब जो हमारा जो बैटर था चटनी का वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और हमारी जो चटनी है वो रेडी है। तो हमारी मूंगफली और नारियल की जो चटनी है वो बनके रेडी है। ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है। तो अब हमने लिए हैं 2 टमाटर और अब हम उसको गैस पर भून लेंगे। और अब हमने ली है लाल मिर्च और अब हम इसे पानी में बॉईल कर लेंगे। और अब हम टमाटर का जो छिलका है ऊपर उसे इस तरह से उतार लेंगे। अब हम भुने हुए टमाटर और बॉईल की हुई मिर्च को ग्राइंड करेंगे। अब हम एक छोटे फ्राई पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी। अब हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी राई। और लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें टमाटर और मिर्च का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, काली मिर्च पाउडर, नमक और अब डालेंगे हम आमचूर। तो हमने इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और अब ये चटनी जो है रेडी है। हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही अच्छी लग रही है। इसे बनाना आसान है। तो हमारी इडली, सांभर और चटनी बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। जो हमारी इडली है वो बहुत ही अच्छी बनी है। देखिए ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो चलिए आप भी बनाइए और सबको खिलाइए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कीजिए प्रेस। थैंक यू।